दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी 2021 पेपर सेकंड का लेंगे, पेपर फर्स्ट वाले विषय देखेंगे, क्योंकि अब का सीटेट कब से कहाँ से क्या पूछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 106 को लेंगे, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, नोट डाउन करेंगे, अपेक्षित नहीं है, नेगेटिव, किंतु, परंतु के अलावे, प्रतिकूल, जब भी शब्द आ जाए त्रिनेत्र को ओपन करेंगे और नेगेटिव में नेगेटिव ऑप्शन को आपको चूज करना है। फर्स्ट भाषा की बारीकियों को समझना, समझेंगे भाषा के बारीकियों से। गद्य में कल्पनाशीलता का विकास, जी हाँ बिल्कुल सही है, तार्किक शक्ति का विकास, यह भी सही है, लेकिन अनुकरण क्षमता का विकास, कॉपी करने का विकास, अनुकरण करने का ये नहीं करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है और आप ही लोगों का तैयारी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि, नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे हिंदी भाषा और हिंदीतर इन द सेंस हिंदी के अलावा कोई और भाषा जो बच्चे का मदर टंग है उसे स्थान मिलना चाहिए, उसकी बातें हो रही है। बच्चे को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिले, ठीक है ये मान सकते हैं। आगे और चेकेंगे, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बिल्कुल सही, बच्चे हिंदीतर भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे हिंदीतर भाषाओं की अपनी पकड़ बना सके, ये कोई थॉट नहीं है। बच्चे हिंदीतर भाषाओं में व्याकरण से परिचित हो सके, दोस्तों नोट डाउन करेंगे कि यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण कभी भी आ जाए, नोट डाउन करेंगे, ये हमेशा नेगेटिव थॉट में सबसे ज्यादा आता है काफी। और अगर प्राइमरी के एग्जाम दे रहे हैं तो व्याकरण पे आप फोकस करेंगे ही नहीं, अपर प्राइमरी में व्याकरण से एक दो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, लेकिन प्राइमरी में व्याकरण एक फुल्ली 100% नेगेटिव थॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, बिल्कुल सही, नियमबद्ध प्रकृति की हम पहचान कराएंगे। हिंदी भाषा का व्याकरण को कंठस्थ नहीं कराएंगे, व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, प्रसिद्ध को जानने से क्या हो जाएगा, नियमबद्ध प्रकृति को जान लेगा, सबसे व्यापक वो है। ऑप्शन 4, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना बिल्कुल गलत है, नोट डाउन करेंगे। नियमबद्ध प्रकृति, भाषा का नियमबद्ध प्रकृति श्रवण, नोट डाउन करेंगे, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, चार कौशल है, नोट डाउन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है जिससे आप अभिव्यक्ति कर सकते हो, तो हम बोल के और लिख के अपना मन का भाव प्रकाश करते हैं, इसीलिए इसे अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। अग्रहणात्मक कौशल, जिससे हम ज्ञान को एब्जॉर्ब करते, ग्रहण करते हैं, तो सुन के और पढ़ के हम ज्ञान को कौशल अर्जित करते हैं, नोट डाउन करेंगे। और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है और भाषा अर्जन प्रयास पूर्ण होता है, नोट डाउन करेंगे। और दोनों डिपेंड करता है भाषिक परिवेश पे, जी हाँ दोनों का जो नेचर है भाषिक परिवेश का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चे के डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। अब भाषण, परिचर्चा, संवाद, इसमें क्या होगा, लिखित अभिव्यक्ति नहीं होगा, बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, वो बोलने में ज्यादा डेवलप करेगा, कल्पनाशीलता का नहीं, अनुकरण का नहीं, मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि भाषण हो रही है वहां पे, परिचर्चा हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में यह सहायक है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है, किसमें करेगा, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में, बिल्कुल गलत, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, भाषाई संरचना अधिकार, जी हाँ भाषाई संरचना पर अधिकार, यह गद को पद, पद को गद में, भाषा व्याकरण पर अधिकार, भाषा का व्याकरण कभी भी नोट डाउन करेंगे, व्याकरण कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो नेगेटिव थॉट में होगा, नोट डाउन करेंगे व्याकरण को। क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे, क्लास 8 में हिंदी भाषा को आप सिखाओगे, पाठ्य पुस्तक, नोट डाउन करेंगे दोस्तों, पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है,
साहित्यिक सामग्री, चलिए साहित्यिक सामग्री बिल्कुल सही है कि हम साहित्यिक सामग्री, और प्राइमरी में हम बाल साहित्य देते थे, अपर प्राइमरी में हम साहित्यिक सामग्री देंगे ताकि उसका भाषा विकास ज्यादा हो। व्याकरण की पुस्तक बिल्कुल गलत, व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, पोस्टर है, लेकिन साहित्य की जगह में पोस्टर व्यापक साहित्य होगा, नोट डाउन करेंगे, पोस्टर की अपेक्षा साहित्यिक सामग्री व्यापक होगा। क्वेश्चन नंबर 112 लेंगे, आप छठी कक्षा के बच्चे के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, चेक करेंगे, जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, चलिए मान सकते हैं, आगे चेक करेंगे, जिसमें बच्चे को पाठ पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ऐसा नहीं कि पाठ पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये कोई थॉट नहीं है, जिससे बच्चे परमेश्वर अंत्यक्रिया करते हो, बिल्कुल सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। बच्चे जब एक दूसरे से अंत्यक्रिया करेंगे, वो सामाजिक कौशल भी सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, और काफी एक्टिविटी होगा, सामूहिक गतिविधि होगा, सबसे व्यापक आंसर है। जिसे बच्चे केवल लेखन कार्य करता हो, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, सिर्फ हम लिखने पर फोकस नहीं करेंगे, ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 113 113 लेंगे, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो डैश हो और या डैश भाषा में हो। दोस्तों त्रिभाषा का मतलब ये होता है, एक तो बच्चे का मदर टंग, दूसरा बच्चा जो सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है, तीसरा इनका जो इंटरनेशनल लेवल का जो लैंग्वेज हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे इंग्लिश या संस्कृत देव इस तरह का जो हम पढ़ाते हैं, यह बच्चे का थर्ड लैंग्वेज होगा। तो एक मदर टंग, एक लोकल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। अब चेक करेंगे, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो मातृभाषा में हो या क्षेत्रीय भाषा में हो, ताकि बच्चा इससे कनेक्ट होकर ज्यादा समझ पाएगा। नोट डाउन करेंगे, मातृभाषा में हो और क्षेत्रीय भाषा में हो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पे सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि नोट डाउन करेंगे, किस पे बल देगी, यहाँ पे एक ट्रिक है, आगमन का आ लिखते हैं, आ से पहले उ आता है, तो उदाहरण, आगमन में हमेशा उदाहरण देते हैं, निगमन विधि में पहले नौ से निगमन, नौ से नियम, नोट डाउन करेंगे, एक ट्रिक है, निगमन विधि में पहले हम नियम बताते हैं, फिर बच्चे उस पे अनुसरण करके फिर आगे सोल्यूशन करते हैं, लेकिन आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देंगे, उदाहरण देने के बाद बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करती है बल्कि डैश को समझने में मदद करती है। विभिन्न माध्यमों से जानकारी, चलिए मान सकते हैं, लेकिन विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, संचारों के माध्यम, इन द सेंस टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्र, इसकी बातें हो रही है, इनसे विभिन्न माध्यमों से प्रयुक्त भाषा भी सीखते हैं, विभिन्न माध्यमों का उपयोग नहीं करते हैं, आर्थिक स्थिति नहीं होता, ऑप्शन टू सबसे व्यापक है और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहानियों की विविध शैलियों पर की गई चर्चा बच्चे को डैश में मदद करेगी। अब कहानी के विभिन्न शैलियों पे क्या, व्याकरण समझने के लिए बिल्कुल नहीं, कहानी की कहानी रचने बिल्कुल सही, बच्चे को कहानी रचने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, कहानी को तत्व को याद करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, कहानी को कमियों को हम नहीं बताएंगे, व्याकरण नहीं बताए, कहानी की रचनाएं काफी रचने में बच्चे का काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 117 लेंगे, संदर्भ में व्याकरण किस पे बल देता है, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करने पे, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में समस्त व्याकरण नियम को बिंदु को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं, पाठ के दौरान समस्त व्याकरण बिंदुओं के परिभाषित करने के लिए बिल्कुल नहीं, पाठ के अंत में समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने बिल्कुल नहीं, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पे। संदर्भ में व्याकरण पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते आप बताओगे कोई स्त्रीलिंग में जाओगे का प्रयोग हो रहा था, आप उसी पाठ पे उसी को एक्सप्लेन करके फिर आगे निकलेंगे एज ए टीचर, नोट डाउन करेंगे, संदर्भ में व्याकरण नहीं होता है, पाठ के दौरान ही पढ़ाते पढ़ाते आप व्याकरण को बच्चे को बताओगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 118 लेंगे, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि उसकी कक्षा में बच्चे डैश पृष्ठभूमि क्या है, तो नोट डाउन करेंगे, आर्थिक कभी भी हम बच्चे को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बच्चा गरीब है या अमीर है इस पे कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, आर्थिक सबसे पहले आप काटिए, सबसे पहला नोट डाउन करेंगे, बच्चे का सामाजिक और व्यावसायिक, व्यावसायिक भी हम काटेंगे, किसी का पिता क्या करते नहीं करते मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, भाषिक और सांस्कृतिक
पृष्ठभूमि क्या है हम इसे देखेंगे, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल हमारा क्लास है, असमिस बंगाली कर्नाटक तमिल पंजाबी बंगाली सारे लोग आए हुए हैं, तो भाषिक और सांस्कृतिक पक्ष को हम देखेंगे, कभी भी हम आर्थिक पक्ष को या किसी का व्यावसायिक पक्ष को कभी भी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 119 लेंगे। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला ऋषभ ने बच्चे को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा किया। सरकार के द्वारा जो जारी पोस्टर है वो दिखाया, और ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है क्या है? अनुपयोगी, अनुपयोगी नहीं है, मनोरंजक नहीं है, कृत्रिम है, कृत्रिम भी नहीं है, ये प्रमाणिक है, क्योंकि वह सरकार के द्वारा जारी किया गया था, वो प्रमाणिक एक साक्ष को बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कविता शिक्षण के समय में शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पे बल देना चाहिए जो जिनके उत्तर सरल हो, ऐसा कोई नहीं, जिनके उत्तर विभिन्न हो, बिल्कुल सही, मल्टी डायमेंशन मल्टी माने एक से ज्यादा उत्तर हो, मुक्त अंत वाला उत्तर हो, सबसे ज्यादा व्यापक आंसर बच्चा दे सके, कल्पना कर सके, जिनका उत्तर एक ही हो ऐसा नहीं है, जिसका उत्तर पुस्तक में दिया गया ऐसा नहीं है, मुक्त अंत वाला का बच्चा कल्पना करके आंसर दे, क्रिएटिव सोचे, कल्पना करे, मूर्त अमूर्त दोनों सोचे, यह सबसे ज्यादा व्यापक है। नोट डाउन करेंगे दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल क्लास कॉन्टेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेट इसको थोड़ा ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।